नवाब मलिक महाराष्ट्र के एक बेबाक जुझारू नेता, 1996 में शिवसेना भाजपा सरकार में उपचुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल करके कुर्ला क्षेत्र से विधानसभा में पहुंचे और महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक ही नवाब मलिक का नाम पूरी ताकत और जबरदस्त उछाल के साथ लोगों के सामने आया और उसके बाद नवाब मलिक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार तीन बार विधायक बने और राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार में पांच बार मंत्री बनाए गए। मुंबई शहर के पालक मंत्री भी रहे और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रमुख प्रवक्ता के रूप में आज भी नवाब मलिक साहब काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग धर्म पर आधारित राजनीति करने का काम करते हैं, कुछ लोग भाषा के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी राजनीति अलग तरह की है। हम अलग विचार से राजनीति करने का काम करते हैं। हम तो मानते हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। हम सबको साथ में लेकर महाराष्ट्र और देश में राजनीति करना चाहते हैं और अनुशक्ति नगर उसका एक मिसाल बना हुआ है। अनुशक्ति नगर मिनी भारत है, देश के हर कोने का आदमी यहाँ रहता है और सबको साथ लेके हम अनुशक्ति नगर की ताकत पूरे महाराष्ट्र तक पहुँचाने का काम करेंगे और आपके साथ से महाराष्ट्र के भी सेवा करने का अवसर मिलेगा, हम आशा करते हैं। यह उनकी कार्य क्षमता और उनके अनुभव का जीता जागता सबूत है। 5 साल पहले कुर्ला क्षेत्र रिजर्व घोषित होने के साथ राष्ट्रवादी पार्टी ने उन्हें अनुशक्ति नगर से अपना प्रमुख उम्मीदवार बनाकर चुनाव में उतारा और यहां के मतदाताओं ने उन्हें हाथों हाथ लिया, अपने सर आंखों पर बिठाया और नवाब मलिक चौथी बार जबरदस्त कामयाबी हासिल करके विधानसभा पहुंचे। नवाब मलिक एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने यह साबित कर दिया कि काम करने की लगन हो, मेहनत हो, नियत हो तो चुनाव क्षेत्र के बदल जाने से भी फर्क नहीं पड़ता। 5 वर्षों में नवाब मलिक ने अनुशक्ति नगर की काया पलट कर दी। समस्याओं से घिरे इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की और नवाब मलिक ने हर इलाके हर घर में पानी पहुंचाकर इस क्षेत्र से पानी की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नवाब भाई आए हर समस्या टल गई। नवाब भाई आए हर समस्या टल गई, तस्वीर अनुशक्ति नगर की बदल गई। नवाब भाई आए हर समस्या टल गई, तस्वीर अनुशक्ति नगर की बदल गई। समस्या टल गई, ये समस्या टल गई। हर गली मोहल्ले में सिर्फ घड़ी चल गई, तस्वीर अनुशक्ति नगर की बदल गई। राष्ट्रीय पार्टी है जो मोदी साहब की पार्टी, बोले मोदी साहब आएंगे और पूरे महाराष्ट्र में जादू चला जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहते हैं कि दुनिया में एक फॉर्मूला है कि सभी लोगों को एक बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को बार बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन सभी लोगों को हमेशा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मोदी साहब के जमाने में बोल रहे थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 80 रुपये किलो टमाटर, बोल रहे थे कि डॉलर का दाम बहुत बढ़ रहा है, डॉलर का दाम कम कर देंगे, कम कर दिया भाई।
डॉलर से महंगा टमाटर हो गया, इसलिए टमाटर महंगा डॉलर सस्ता हो गया। ये देश का प्रधानमंत्री है कि गुजरात का प्रधानमंत्री, ये भी लोगों को सोचना पड़ेगा। अभी भी पूरी दुनिया की सैर कर लो, अराउंड द वर्ल्ड इन $8। मोदी साहब जब से आए हैं पूरी दुनिया ही घूम रहे हैं, कभी भूटान जाते हैं, कभी नेपाल जाते हैं, कभी जापान जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, और पूरी दुनिया की सैर कर लो, अराउंड द वर्ल्ड इन $8। कभी कभी उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता, हजम नहीं होता है, ऐसे हालात हो गए हैं। ये देश का प्रधानमंत्री ही है, गुजरात का प्रधानमंत्री। देश का पहला बजट आया, बोल रहे थे कि महंगाई कम कर देंगे, गरीबों के हित का काम करेंगे। देश का पहला बजट आया, उस बजट के अंदर गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं था। इस देश के पहले बजट में कम से कम 2,00,000 करोड़ का फायदा अदानी और अंबानी को पहुंचाने का काम इस मोदी की सरकार ने करने का काम किया। बोल रहे हैं कि ये देश का प्रधानमंत्री है, क्या होगा? मुंबई से बुलेट ट्रेन जाएगी, कहां जाएगी? अहमदाबाद। अहमदाबाद सामाटे साहब, अगर मुंबई को जोड़ना था तो दिल्ली से जोड़ देते हैं। देश की राजधानी से मुंबई को आर्थिक राजधानी और देश की राजधानी जुड़ जाती तो आपकी नियत साफ लगती। लेकिन ये देश का प्रधानमंत्री नहीं है, ये गुजरात का प्रधानमंत्री है। ये चुनाव उन लोगों का नहीं है जो हवा हवाई में चुनाव लड़ते रहेंगे। अब तो जो जनता से जुड़ा है, ताकत से लड़ेगा, वही जीतेगा भाइयों। और हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं। 2009 मध्ये आम्हाला नवाब मलिक साहेबांच्या रूपाने एक कष्टाळू आमदार आणि सर्वांवरती प्रेम करणारा आमदार या अणुशक्ती नगर मध्ये आम्हाला मिळालेला आहे। तर या येत्या इलेक्शन मध्ये आम्हीच त्यांना भरघोस मताने विजय करू, अशा प्रकारचे आम्ही प्रतिज्ञा करतोय। आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, या राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता महाराष्ट्रात यावी, अशा प्रकारची आम्ही अपेक्षा करतोय। महाराष्ट्र नगर, आंबेडकर नगर, तिथं आम्हाला मीटर बीटर नव्हतं, मग साहेबाने आम्हाला मीटर आणून दिलं। किंवा आमच्या एरियाला बाथरूम नव्हतं, तर इथं बाथरूम दिलं। मैदान नव्हतं आंबेडकर नगरला, मैदान झालेलं आहे। आणि आता लाधिकरणचं सुरू केलेलं आहे साहेबांनी। तर आम्हाला पहिलं असं, आम्ही पाण्यामध्ये राहत होतो, तर आम्ही ते आमच्या लेकराबाळाला मच्छर बिच्छर चावत होतं, तसे आम्हाला भरणी आणून टाकून दिले त्यांनी। पुन्हा आणखीन गटारीचे कामं चालू केले त्यांनी। कुठल्याही गोष्टीमध्ये कुठल्याही नागरिकाला काही जरी समस्या आली तरी साहेब नेहमीच एक आवाज दिला, तर साहेब नेहमीच उपस्थित असतात। महाराष्ट्र नगर, आंबेडकर नगरपासून ते भीमनगरपर्यंत 20 वर्षे लोक अंधारात राहत होती, त्यांना मोटर ट्रान्झिस्टर बसवून दिलं, लोकांच्या घरोघरी वीज पुरवली गेली, 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना मान्यता दिली, गोरगरिबांना रेशनिंग कार्डाची व्यवस्था करून दिली। फर्स्ट टाइम नवाब मलिक साहब आए, हम लोगों का हर समस्या 12 बजे फोन कीजिए, फिर भी नवाब मलिक साहब उठाते हैं, नहीं उठाए तो तुरंत 10 मिनट में रिप्लाई देते हैं। ताई आपने क्यों फोन किया था, मैडम आपने क्यों फोन किया था, आपका क्या समस्या है? एक आम शिकायत मतदाताओं की यह होती है कि नेता जनता से जुड़ते नहीं, उन्हें मिलना पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन नवाब मलिक ने इस सोच और इस ख्याल को भी गलत साबित कर दिया। आज उनके चुनाव क्षेत्र में लाखों लोगों के पास नवाब मलिक के फोन नंबर्स हैं और लोग उनसे 24 घंटे संपर्क में रहते हैं। वह हर वक्त अपने मतदाताओं के लिए उपलब्ध हैं और उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के दिलों में नवाब मलिक स्थायी जगह बना चुके हैं। हम महात्मा गांधी के विचारों की राजनीति करने वाले लोग हैं। राजनीति विचारों से होती है, नकली नोट से नहीं। और राजनीति विचार जिसके पक्के हों, कितने भी चोर हों, उनसे मुकाबला हम करने में कभी डरते नहीं। झाली शहरे गावा गावांची, झाली गावे खेड्या पाड्यांची, उंचावून माना फुगवून छाती, सहु दिशांची पाहून प्रगती। कितीक स्वप्ने
त्याचे रंगविती हे भविष्य माझ्या हाती मी प्रचंड आशावादी हे भविष्य माझ्या हाती मी प्रचंड आशावादी मी राष्ट्रवादी मी महाराष्ट्रवादी मी राष्ट्रवादी तेव्हा आयुष्याचे रंग असेच होते का मना मनावर चैतन्याचे तरंग असेच होते का आरोग्याचे कवच असो वा कुपोषणावर वसक असो निसर्गाचा रोष असो वा उद्योगाचा कोश असो आज वाटते जसे सुरक्षित तेव्हा वाटत होते का पण असले नाटक होते का करणाऱ्याच्या चुका काढणे ना करत्याचे काम असे अर्धे भांडे भरले तरीही या नाते दिसणार कसे दिली मुंबई एकाला अननाशिक दिधले दुसऱ्याला ना करते पण जाहीर झाले हो ना करते पण जाहीर झाले तरी मागता कसे सहुदिशांची पाहून प्रगती कितीक स्वप्ने डोळ्यात पुढती चित्र उद्याचे रंगविती हे भविष्य माझ्या हाती मी प्रचंड आशावादी हे भविष्य माझ्या मला वाटते यावेळी जेव्हा 15 तारखेला मतदान होईल 19 तारखेला निकाल लागेल या मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये इतिहास घडणार आहे त्यासाठी आपल्याला विनंती करतो की येणाऱ्या 15 तारखेला घड्याळाच्या चिन्हावर बटन दाबा अणुशक्ती नगर में एक तरफ जहां अमीर और मालदार लोग बसे हैं वहीं झुग्गी झोपड़ियों में बसने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है नवाब मलिक ने इन गरीब झोपड़ी वालों के घर न टूटे इस कोशिश में 200 करोड़ रुपए खर्च करवा के इमारतों का निर्माण करवाया सरकारी योजनाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र के लोगों को दिलाया कई मेडिकल कैंप्स लगवाए आंखों के और हार्ट के कई ऑपरेशंस भी आपने करवाए आने वाले दिनों में नवाब मलिक शताब्दी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज से जोड़ने की योजना बना रहे हैं महाराष्ट्र के इस अनोखे बुलंद आवाज दिग्गज जनप्रतिनिधि को हम सबका सलाम तुम अपने वादे निभाते रहो जनाब मलिक तुम्हारे साथ तो जनता है बेहिसाब मलिक तुम्हारा नाम सिर्फ वोटों पे नहीं बल्कि किताबे दिल पे भी हमने लिखा नवाब मलिक किताबे दिल पे भी हमने लिखा नवाब मलिक।